मुंबई में बारिश का आगमन हो गया है। ऐसे में कई समस्याएं भी हो रही है, जिसमें बड़ी समस्या है सड़कों का टूटता होना और फिर पानी का भराव। ऐसी कई समस्याओं को लेकर कांग्रेस द्वारा मुंबई के गोरेगांव पश्चिम में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बिलाल कुरैशी के नेतृत्व में आयोजित की गई ये समस्याओं के लिए बैठक, जिसमें कांग्रेस नेता संजय निरुपम पहुंचे, धीरज रेसिडेंसी और अन्य बिल्डिंग में रहने वाले लोगों के बुलावे पर संजय निरुपम इस बैठक में पहुंचकर लोगों की समस्याओं को सुना और उसे खत्म करने का वादा भी किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर संजय निरुपम जी से इस बैठक में अपनी समस्याओं को लेकर चर्चा की। अपने साथियों के साथ धीरज रेसिडेंसी और उसके आसपास के जो बिल्डिंग के सभी हमारे रेसिडेंट्स हैं, उनके बुलावे पर आया हूं और यहां आने का पर्पस यह है कि उनके जो दुख हैं, दर्द हैं, उसको समझा जाए और उसको बांटा जाए और उसके साथ साथ उन दुख दर्द को दूर करने का प्रयत्न शुरू किया जाए। तो मुख्य तौर पर जो यहाँ पर रास्ता है जो बहुत ही ख़राब हाल में है, उस रास्ते को कैसे ठीक करना है ये देखा जाएगा। यही मुख्य मांग है इनकी। दूसरी मांग ये है कि चूंकि इस एरिया में अब पॉपुलेशन बढ़ रही है और बिजनेस एक्टिविटी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और यहाँ पर मेट्रो का एक स्टेशन भी आ गया है, तो यहाँ एक बीट चौकी चाहिए। तो इसके लिए हम ट्रैफिक डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों से बात करेंगे और जल्द से जल्द यहाँ बीट चौकी खुले और ये रास्ता कॉन्क्रिटाइज हो, इस दिशा में हम प्रयास करेंगे। रह गई बात पानी की, तो पानी का प्रेशर कम है और ये पूरे मुंबई का प्रश्न है, तो यहाँ फिर भी प्रेशर थोड़ा बढ़ाया जाए। अगर यहाँ बढ़ाएंगे तो कहीं और प्रेशर कम होगा, वो बवा बम करेंगे, ये भी एक सवाल होता है। लेकिन ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर पानी का प्रेशर बढ़े। हालांकि आप लोग सब तो उस पर होंगे, क्या नाम है, टैंकर पे ही होंगे, अगर टैंकर के तो बिल्डिंग वाले रह नहीं सकते बेचारे, तो फिर भी एक पानी का प्रेशर बढ़े और बिल्डिंगों में सबके अपने टैप में सही पानी आए, पूरे फोर्स से पानी आए, इसका प्रयास किया जाएगा। तो आज लोकल जो हमारे रेसिडेंट्स हैं, उनके जो बेसिक इश्यूज हैं, उनको सुनने का मौका मिला और उन सारे बेसिक इश्यूज को दूर करने का हम पूरा प्रयास करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। सर, रास्ते में काफी गंदगी है, इस रास्ते की बात करें या कहीं और रास्ते की बात करें, और काफी गंदगी होती है, इससे जो है काफी लोग बीमार पड़ जाते हैं, तो किस तरह से देखते हैं? बड़े गंदगी के लिए जिम्मेदार कौन है? जिसको गंदगी की साफ सफाई करने की जिम्मेदारी दी गई है वो बीएमसी है, और बीएमसी के पास 65,000 करोड़ का बजट है, और 65,000 करोड़ खर्च करने के बाद भी एक सादा मुंबई की सड़कों को अगर क्लीन नहीं कर सकते तो निश्चित तौर पर बीएमसी में जो लोग बैठे हुए हैं उनकी फेलियर। और सर, एक खबर और है जो कि सीमा हैदर, जो कि पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह देखते हैं, क्या चाल है पाकिस्तान का या कैसा है? मुझे मालूम भी नहीं है कौन है। सर, मुंबई महानगर पालिका का 6,000 करोड़ का बजट है, इस कॉन्क्रीटीकरण के लिए यहाँ पे जब आए हैं तो रास्ते की कंडीशन बद से बदतर है, आप हमेशा ही मुंबई महानगर पालिका पे टारगेट कर रहे थे, तो किस तरीके का ये बजट यहाँ पे? जो नई सरकार आई है शिंदे और फडणवीस की सरकार, सरकार ने आते ही एक अनाउंसमेंट किया कि मुंबई की जो सारी जो इंटरनल रोड्स हैं, मेन रोड नहीं इंटरनल रोड्स, वो सारी कॉन्क्रीटाइज होंगी और उसके लिए 6,000 करोड़ का उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट रिलीज किया और सारे कॉन्ट्रैक्टर पैसा लेके निकले। निश्चित तौर पर मैं कॉन्क्रीटाइजेशन के इस प्रपोजल का समर्थन करूंगा। मुंबई में जो डांबर की सड़कें होती हैं, कोलतार की सड़कें होती हैं, उसका कोई मतलब नहीं है, हर साल वो खराब हो जाती है, उखड़कर बह जाती है बारिश के दिनों में, तो कॉन्क्रीट करना सड़कों का एक अच्छा डिसीजन है, लेकिन एक एक सड़क कॉन्क्रीटाइज हो और अच्छे ढंग से हो। अभी मैं बहराम बाग में एक जगह गया था, वहां देखा मैंने नया नया कंक्रीट का सड़क है और उस सड़क में दरार आ गई है, इसका मतलब उस कंक्रीट के सड़क में सीमेंट कम और रेत ज्यादा इस्तेमाल हुआ है, इसलिए वो कंक्रीट सड़क की भी हालत खराब हो जाएगी। तो काम में कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो और एक अच्छी मजबूत सड़क इस इलाके में हर जगह बने, पूरे मुंबई में बने, निश्चित तौर पर इसका स्वागत करना चाहिए। और इसलिए यहाँ की जो सड़क अभी एकदम खराब हाल में है, इसकी प्रॉब्लम ये बताई जा रही है कि ये सड़क अभी प्राइवेटली ओन्ड है, जो दत्तानी बिल्डर इस एरिया के जो डेवलपर रहे हैं उनके पास है, तो दत्तानी से मैं भी बात करूंगा, मैं जानता हूं सतीश दत्तानी जी को अच्छे से, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि उनका NOC मिले और महानगर पालिका से रिक्वेस्ट करके उनके फंड से जितना जल्दी हो महानगर पालिका को बोलकर यहां पर कॉन्क्रीटाइज रोड बनवाया जाएगा। सबसे आखिरी सवाल सर, कितने दिनों का अल्टीमेटम आप सरकार प्रशासन को देना चाहिए, क्योंकि सड़क की समस्या है, पानी की समस्या है, सुरक्षा की समस्या है, एक नेता होने के नाते कितने दिनों का अल्टीमेटम आप सरकार को देना? तीनों विषय जो है अलग अलग डिपार्टमेंट से जुड़ा विषय है, इसलिए, और वो डिपार्टमेंट में किसी भी डिपार्टमेंट का प्रमुख मैं नहीं हूँ, तो मैं कोई टाइमलाइन तय नहीं कर सकता। मैं पहले एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों के साथ बैठ करके बात करेंगे, उनकी क्या समस्या है, उस समस्या को समाधान करने में कितना टाइम लगेगा, उसके बाद एक तय हो सकता है कि कितने दिनों में ये रोड का काम पूरा हो जाएगा। हमारी कोशिश होगी जल्द से जल्द रोड बना के दिया जाए ताकि इस इलाके में रहने वाले सभी लोगों को सुविधा मिल सके।
ठीक है, शुक्रिया, बहुत बहुत नमस्कार, थैंक यू। यहाँ पर ये हमारे धीरज रेसिडेंसी के जो रेसिडेंट्स हैं यहाँ पे, इनको ये परेशानी काफ़ी दिनों से हो रही है और बहुत दिनों से बेचारे परेशान हैं, दिनों से नहीं बल्कि कई सालों से परेशान हैं, क्योंकि रोड इतना ख़राब है बाहर के रिक्शा वाले अंदर नहीं आते हैं और आते भी हैं तो 50 रुपये एक्स्ट्रा लेके अंदर आते हैं और ये एवरी टाइम इज़ नॉट पॉसिबल। इसके लिए जो है आज हमने हमारे साहब को बुलाया था यहाँ पर और ये रेसिडेंट्स ने सबने मिल के उनका बहुत अच्छा स्वागत किया, मान सम्मान किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। अब हम लोग ये कोशिश करेंगे कि भाई जितनी जल्दी हो सके इस रोड को बनाया जाए, क्योंकि रोड जितनी जल्दी बन जाएगा इतने लोगों को जल्दी राहत मिल जाएगी। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर कुछ इलीगल एक्टिविटी वगैरह भी होती है जिससे लोग यहाँ के बता रहे थे, वो इलीगल एक्टिविटी को भी ख़त्म करना है। एक बार जब रोड बन जाएगा तो गाड़ियों की पार्किंग सिंगल लाइन हो जाएगी तो सब इलीगल एक्टिविटी भी ख़त्म हो जाएगी। कोशिश हम लोग कर रहे हैं और करेंगे। सर यहाँ की बात है या कहीं और की बात है, यहीं पे नहीं काफ़ी जगह ऐसे सड़क जो है मतलब ख़राब है, वहाँ पे जाने के लिए जो है ट्रेवल करते हैं एक्स्ट्रा ही चार्ज लेते हैं, कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये तो जो उस एरिया के MP MLA कॉरपोरेटर हैं उनकी जिम्मेदारी है, जवाबदारी है। हम लोग जो जनता के बीच में आते हैं जनता की सेवा करने के लिए आते हैं, ना कि हम एयर कंडीशन ऑफिस में बैठ के बात करने के लिए आते हैं। हमें रोड पे आना चाहिए और रोड पर आकर हमें काम करना चाहिए। जैसे आज हम लोग आए, हमारे निरुपम साहब भी आए और हमारे सारे कांग्रेस से कार्यकर्ता आए और सारी पार्टी के लोग हमारे मौजूद थे और सबने प्रॉमिस किया यहाँ के रेसिडेंट्स के कि भाई इस रोड को बनाया जाएगा। उसके अलावा इनकी और भी जो समस्या है, पानी की है, पुलिस चौकी की है, उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। सर कहते हैं सड़क खराब होने की वजह से लोगों एक्सीडेंट भी काफ़ी होते हैं, तो इससे जिम्मेदार कौन है जब सड़क की वजह से जो है एक्सीडेंट होते हैं? कहने कहीं बात करें जो है सड़क बनते ही जो है सड़क को छोड़ने के लिए और काम लगा दिया जाता है, इसकी जिम्मेदार PMC है। अगर कोई एक्सीडेंट होता है या कोई तकलीफ होती है या कोई और परेशानी होती है उसकी जिम्मेदार BMC है। ये काम BMC को काफ़ी साल पहले कर लेना चाहिए था, इन्होंने तक क्यों नहीं किया मुझे नहीं पता, मगर अब हम उनसे बात करेंगे, उनके ऑफिसर से हम बात करेंगे और इस रोड को हम जल्दी जल्दी डामर का नहीं बल्कि हम इसको कॉन्क्रीट रोड बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।